जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखिए। आपके पितरों की कृपा आप पे बनी रहे, जीवन में सुख सौभाग्य रहे, सभी तरह के अरिष्ट अनिष्ट आपसे दूर हो जाएं, आपकी सब मनोकामना पूरी हो। आज हम बात कर रहे हैं साल 2020 में पितृ पक्ष कब से शुरू हो रहा है। दोस्तों, पितृपक्ष को कई नामों से जाना जाता है। इसे श्राद्ध कहा जाता है, महालया कहा जाता है एवं कड़वे दिन कहा जाता है। तो पितृपक्ष 1 सितंबर से शुरू हो रहा है या 2 सितंबर से, और पितृपक्ष की सभी तिथियां क्या हैं, किस दिन पे आपको अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण पूजन इत्यादि करना है एवं पितृपक्ष में जो भोजन कराया जाता है उसमें किन चीज़ों का होना आवश्यक है, ये मैं आपको बताऊँगी। साथ ही साथ ऐसे कौन से कार्य है जिन्हें करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं, आप पे धन धान्य सुख सौभाग्य किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो जल्दी से दोस्तों नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको नीता विक्रम चैनल के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। व्रत त्योहार पूजा पाठ में कोई गलती नहीं होगी। इस वीडियो को अपने घर परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक व्हाट्सएप पे शेयर करिए, इससे आपको धर्म का लाभ होगा, पूजा पाठ की विधियां सभी को पता पड़ेंगी। हम सभी मनुष्यों के जीवन में दोस्तों तीन प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इन तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में कई कर्मों को करता है, परंतु जब महालया या श्राद्ध पक्ष आते हैं उस समय में पितर पूजन का विशेष महत्व होता है। पितर कौन होते हैं? हमारे जीवन में जो भी हमारे रक्त संबंधी थे वह यदि अब इस दुनिया में नहीं है तो हम उन्हें पितर कहते हैं। चाहे वो आपके माता पिता हों, भाई बहन हों, जो भी आपके रक्त संबंधी थे उन्हें आप पितर कहते हैं। परंतु लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो वह दूसरे घर में चली जाती हैं, इसलिए जिन लड़कियों का विवाह हो चुका होता है उनके लिए पितर कर्म उनके ससुराल पक्ष के लोग करते हैं। परंतु यदि आपके घर में कोई अविवाहित बच्ची यदि इस दुनिया में नहीं रहती है तो उनका पितर कर्म आपको ही करना पड़ता है। तो इस प्रकार से घर में जो भी लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं वह सभी हमारे पितर हैं। उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए हमें इन 15 अथवा 16 दिनों में पानी देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है यमराज इन 16 दिनों के लिए सभी आत्माओं को मुक्त करते हैं, वह धरती पर वास करती हैं और जब हम उन्हें तर्पण देते हैं तो उस पानी से वह आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। दोस्तों, तर्पण करने का समय कब से है? दोस्तों, तर्पण करने का समय शुरू हो रहा है 2 सितंबर से। 2 सितंबर को 11:36 के बाद से लेकर आप प्रतिदिन तर्पण कर सकते हैं। आपको 2 सितंबर को, क्योंकि दोस्तों 11 तक पूर्णिमा की तिथि रहेगी, इसलिए इस समय तक आपको तर्पण नहीं करना है। जब 11:36 के बाद से आप तर्पण कर सकते हैं और 3 तारीख से आप सूर्य उदय के साथ जब आप सूरज को जल दें उसी समय पे आप तर्पण कर सकते हैं। तर्पण के लिए एक स्वच्छ जल लिया जाता है, किसी लोटे या बर्तन में इस जल को ले लेते हैं। इसमें काले तिल डालते हैं, यव डालते हैं, थोड़े चावल डालते हैं और पुष्प इत्यादि डाल के अपने पितरों के नाम से पानी देते हैं। हाथ में कुशा की अंगूठी पहन लेते हैं। इसी के साथ आप अपने पितरों को याद करते हुए उनके निमित्त जल देते हैं और प्रार्थना करते हैं इस जल से आपके सभी पितर तृप्त हो जाएं। दोस्तों, यदि आप नाम लेके अपने पितरों को पानी देते हैं तो आप सबसे पहले अपने पिता को पानी दीजिए, उसके बाद अपने दादाजी को पानी दीजिए और उसके बाद आप अपने जो भी आपके और पितर हैं आप उन सभी को नाम लेके पानी दे सकते हैं, या फिर आप ओम नमो नारायणाय श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए अपने सभी पितरों के निमित्त पानी देते रहें और कहें मेरे सभी तरह के जो भी पितर हैं वह इस पानी को ग्रहण करें और इस पानी से संतुष्ट हो जाएं। जिस समय आप पितरों का तर्पण करें उस समय यदि आपको अपना गोत्र याद है, अपने पिताजी का नाम याद है कि मैं इनका पुत्र हूँ और मेरा गोत्र यह है, मैं अपने पितरों को तृप्त करने के लिए यह तर्पण कर रहा हूँ, इस प्रकार यदि आप जल देते हैं तो आपके पितर तृप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं श्राद्ध तिथियों के विषय में। श्राद्ध तिथियों के लिए मैं आपको यहाँ जानकारी दे रही हूँ। पूर्णमासी का जो श्राद्ध है वह दोस्तों 1 सितंबर को होगा।
इसलिए श्राद्ध की जो तिथियां हैं वह 1 तारीख से शुरू होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 1 तारीख को पूर्णमासी का श्राद्ध होगा, 2 तारीख को प्रतिपदा तिथि के लिए श्राद्ध होगा, प्रतिपदा पहली तिथि होती है, 3 तारीख को द्वितीया का श्राद्ध होगा, 4 तारीख और 5 तारीख को आप तृतीया का श्राद्ध कर सकते हैं, चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 6 सितंबर को होगा, 7 सितंबर को पंचमी का श्राद्ध होगा, 8 सितंबर को षष्ठी का श्राद्ध होगा, 9 सितंबर को सप्तमी का श्राद्ध होगा, 10 सितंबर को अष्टमी तिथि का श्राद्ध होगा, 11 सितंबर को नवमी तिथि, 12 सितंबर को दशमी तिथि, 13 सितंबर को एकादशी तिथि का श्राद्ध, 14 सितंबर को द्वादशी तिथि का श्राद्ध, 15 सितंबर को त्रयोदशी का श्राद्ध, 16 सितंबर को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध और 17 सितंबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या की तिथि रहेगी। इस प्रकार से इन तिथियों के अनुसार यदि आपको तिथि याद है तो आप अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। कई बार हमें अपने पितरों के श्राद्ध की तिथि पता नहीं होती है। श्राद्ध की तिथि वही होती है जिस दिन पे वह स्वर्ग से धारे हों अथवा शांत हो गए हों। परंतु यदि आपको श्राद्ध की तिथि नहीं पता है फिर भी आप श्राद्ध करना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। यदि आप अपने किसी ननिहाल में जो रिश्तेदार हैं उनका श्राद्ध करना चाहते हैं, जैसे कि आपके नाना नानी का श्राद्ध यदि आप करना चाहते हैं तो यह आपको प्रतिपदा तिथि को करना चाहिए जो कि 1 सितंबर को है। ऐसे लोग जिनने जीवन में कभी विवाह नहीं किया, जो अविवाहित रहे और उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनका श्राद्ध चतुर्थी तिथि के दिन पे करा जाता है। चतुर्थी तिथि के दिन पे उन लोगों का श्राद्ध करना है, यानी 5 सितंबर को आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। अपने पिता का श्राद्ध आप अष्टमी तिथि को कर सकते हैं जो कि 10 सितंबर को है। यदि आपकी माताजी सौभाग्यवती रूप में शांत हुई थी तो आप उनका श्राद्ध मात्र नवमी के दिन पे कर सकते हैं जो कि 11 सितंबर को है। केवल वही स्त्रियां जो शादीशुदा या पति के रहते हुए जिनका स्वर्गवास हो जाता है, इस दिन पे उनका श्राद्ध करना अति शुभ फल देता है। इसके अलावा जो लोग सन्यासी रहे हैं, जिन्होंने पूरे जीवन में सन्यास का पालन करा है, उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि के दिन पे करा जाता है। यह 14 सितंबर की तारीख है। एवं आपको यदि कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, जिन्होंने किसी कारण से अपनी जान दे दी हो, उन लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि के दिन पे करा जाता है। यह 16 सितंबर की तिथि है। और यदि आपको किसी की भी तिथि याद नहीं है या आप चाहते हैं आपके घर में कई सारे पितर हैं, आप सबका श्राद्ध एक ही दिन पे कर दें, तो आप महालया की तिथि में या फिर सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पे अपने सभी जितने भी पितर हैं उनके निमित्त पात्र श्राद्ध कर सकते हैं। यह है 17 सितंबर 2020 की तारीख। इस दिन पे आप श्राद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, श्राद्ध के लिए जब भी आप ब्राह्मण बुलाएं, वैसे तो जैसे हम शुभ काम करते हैं, जब घर में कोई त्यौहार मनाते हैं या फिर कोई शुभ काम होता है, उस समय पे ब्राह्मणों को सम संख्या में बुलाया जाता है। परंतु जब हम घर में श्राद्ध कर्म करते हैं उस दिन पे ब्राह्मणों को विषम संख्या में बुलाया जाता है। आप या तो अपने घर में 1 ब्राह्मण का भोज कराएं अथवा 3 ब्राह्मणों का भोज करवाएं। इस तरह से आपको किसी अच्छे वेद ज्ञानी ब्राह्मण को अपने घर बुलाना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। अब भोजन में क्या बनाएं? भोजन में आपको चावल की खीर जरूर बनानी चाहिए और पूरी, इन 2 चीज़ों को आपको ज़रूर बनाना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए, श्राद्ध के दिन पे यह खाना ज़रूर बनता है, पर जब आप नियमित अपना भोजन बनाते हैं तब कभी भी इस तरह का भोजन आपको नहीं बनाना चाहिए। यानी चावल की खीर और पूड़ी साथ में केवल श्राद्ध के समय पे ही बनाई जाती है। इसके अलावा आप अपने जिन पितरों के निमित्त इस श्राद्ध को कर रहे हैं उनके पसंद का भोजन आप बना सकते हैं। काले चने रखे जाते हैं और जिस स्थान पे ब्राह्मण देव को भोजन कराया जाता है वहां थोड़े से काले तिल छिड़के जाते हैं, कुशा रखी जाती है जिससे कि आपके पितर प्रसन्न होकर वहां पे भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, जब पितरों के निमित्त ब्राह्मण देवता को भोजन कराया जाता है तब ऐसी
ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको ये बातें बताई भी हैं और आज फिर से बता रही हूँ। यदि आपके घर में जो भी बड़े लड़के हैं या जो भी आपके घर में पुरुष हैं उनको यह भोजन कराना चाहिए। स्त्रियों को यदि आपके घर में कोई पुरुष नहीं है उसी स्थिति में ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, अन्यथा पानी रखने से लेके थाली रखने से लेके हर एक कार्य पुरुष को करना चाहिए जो अपने पितरों के निमित्त इस भोजन को अर्पित करना चाहते हैं। तो आपको वहाँ पे भोजन का सभी सामान रख देना चाहिए, पानी रख देना चाहिए। ब्राह्मण देवता से आपको यह नहीं पूछना चाहिए कि आपको भोजन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध में भोजन कराते हैं कभी भी आप भोजन करते हुए ब्राह्मण से ये मत पूछिए कि उनको खाना पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि जिस क्षण आप ये पूछ लेते हैं उसी क्षण आपके पितर वहां से चले जाते हैं। भोजन में नमक इत्यादि कम है या नहीं है ये भी नहीं पूछना चाहिए। एक दोने में थोड़ा सा नमक आप वहां लाके रख दें। चम्मच जो भी सामान है आप वहाँ पे मौन होके जितना शांति के साथ यह भोजन कराएं उतना अच्छा है, क्योंकि ये आप अपने पितरों के निमित्त भोजन करा रहे हैं। जो लोग इस समय पे बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास करते हैं, हाहा ही करते हैं, उनके पितर वहाँ पे रुष्ट हो जाते हैं और वह भोजन ग्रहण नहीं कर पाते। दोस्तों, जब आप अपने पितरों को भोजन कराएं उसी समय पे आपको अपने बंधु बांधवों को भी अपने घर बुलाना चाहिए, जैसे कि अपने बहन। यदि आपके बहन और दामाद उसी शहर में रहते हैं तो आप उन्हें इस दिन पे अपने घर बुलाइए, भतीजों को, अपनी बुआ को उस दिन पे अपने घर बुलाइए और उन्हें भी भोजन अवश्य कराइए। साथ ही साथ दोस्तों, आप जब भी ये भोजन कराना शुरू करें, भोजन कराने से पहले आप 4 ग्रास निकाल दें, यानी ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले आपको छोटी छोटी थाली में जितना भी आपने भोजन बनाया है बहुत थोड़ा थोड़ा, जैसे गाय के लिए 2 पूड़ी, कुत्ते के लिए 2 पूड़ी, पक्षियों के लिए 2 पूड़ी और उसके ऊपर थोड़ी सी सब्जियां, चटनी, जो भी आपने पूरा भोजन बनाया है वह सभी थोड़ा थोड़ा ज़रूर रखना चाहिए। और जो आपके ब्राह्मण देव हैं उनके लिए भी थाली आप उसी वक्त सजा लें। एक ही समय पे यह चारों थालियां आपको सजानी है। जो भी खाना आपने बनाया है, चाहे दही बड़े बनाए हो, जो भी खाना बनाया है सब थालियों में यह खाना होना चाहिए। सबसे पहले आप जाइए गाय को यह भोजन खिला दीजिए, उसके बाद आप अपने घर के आसपास किसी कुत्ते को ढूंढिए और उसे यह भोजन दे दीजिए। कौवे को ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए घर की जो छत का ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ कौवे के लिए इस भोजन को रख दिया जाता है। दोस्तों, इस भोजन को केवल वही प्राणी ग्रहण करते हैं यह जिनके निमित्त होता है, तो इसीलिए कौवे के लिए जो ग्रास है वह घर की छत के ऊपर रख दीजिए। अब जो ब्राह्मण देवता के भोज की आपने थाली लगाई है उसमें से थोड़ा सा भोजन अपने पूर्वजों की, यदि आपके घर में कोई तस्वीर है तो उसको साफ करिए, उस पर अच्छी सुंदर फूल माला चढ़ाइए और उसमें से थोड़ा सा भोग अपने पितरों के निमित्त निकालिए और फिर वही थाली आप ब्राह्मण देवता को दीजिए, जिससे कि वह आपके पितरों के लिए जो आपने भोजन निकाला है उसे ग्रहण करें और जैसा मैंने आपको नियम बताया उस अनुसार आप उन्हें शांतिपूर्वक भोजन ग्रहण कराइए। जब आपके ब्राह्मण देवता भोजन कर लें, उनकी थाली को उठा के, घर में यदि जो पुरुष हैं तो वह पुरुष ही उस थाली को उठा के रखें अथवा स्त्रियां उस थाली को उठा के रख सकती हैं और ब्राह्मण देवता के चरणों को स्पर्श करें। उनके निमित्त दान की व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिए। 1 नारियल, कपड़े, थोड़ा सा द्रव्य यानी पैसे इत्यादि दे के ब्राह्मण देवता को संतुष्ट करना चाहिए और उन्हें इस प्रकार से भोजन कराने से आपके पितरों को भोजन का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त होता है और उनको तृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से दोस्तों, आप अपने पितरों को प्रसन्न करिए, उन्हें भोजन कराइए और अपने जीवन में आ रहे पितृ संबंधी दोषों का निवारण करिए। तो दोस्तों, यह विधि बहुत ही आसान है। इस छोटी सी विधि से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। परंतु जो लोग अपने घर पे ब्राह्मण भोज नहीं करा सकते उनके लिए एक और आसान तरीका है। जैसा कि सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या 17 सितंबर की है, उस दिन पे आप चाहें तो सीधा निकाल दें। जैसे कि एक ही घर में
सास ससुर और कई बार घर के और भी लोग होते हैं, उनके निमित्त श्राद्ध नहीं हो पाता क्योंकि सबकी तिथियां अलग अलग होती हैं। तो आप सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के दिन पे मंदिर में जाके सीधा अवश्य दे आएँ। इसमें कम से कम 2 से 3 किलो आटा ले लें, थोड़ी हल्दी ले लें और थोड़ा सा नमक ले लें, थोड़ा सा घी ले लें और आलू ले लें, टमाटर जो भी आपके पास हो, इन सभी चीज़ों की एक पोटली बनाएं और दाल भी यदि आप रखना चाहते हैं वो भी रख लें। जो भी आपका सामान है, खाने पीने का, ब्राह्मण का सामान, इसे आप एक पोटली बनाएं और ब्राह्मण देवता के पास दे के आएँ। इसमें थोड़े से पैसे दक्षिणा अवश्य होनी चाहिए। यह श्राद्ध आप अपने सभी पितरों के निमित्त कर सकते हैं, जिन्हें आप गयाजी कर आए हैं उनके लिए भी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको श्राद्ध या पितृ पक्ष मनाने चाहिए, अपने पितरों को याद करते हुए उनके लिए शुभ कार्य करना चाहिए। प्रतिदिन हो सके तो गौ ग्रास घर में ज़रूर निकालना चाहिए। जब भी आप सुबह के समय खाना बनाएं, पहली रोटी या पहरा कौरा गाय के लिए ज़रूर निकालें। हो सके तो आप पितृ पंडित कौवा और कुत्ता, इन चारों के निमित्त आप निकाल सकते हैं, परंतु यदि इतना ना भी कर पाएँ तो आप गाय के निमित्त गौग्रास अवश्य निकालें। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में कई परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इस प्रकार से शुभ कार्यों को करते हुए पितृ पक्ष में आप अपने पितरों को प्रसन्न करिए, जीवन में आपके सुख सौभाग्य ज़रूर आएगा। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लीजिए और अपने परिवार मित्रों के साथ अवश्य शेयर करिए। मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली को ज़रूर जाके देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए रोज़ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए। अगला वीडियो लेके मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों। जाते जाते एक बात याद आई है, वो मैं आपको बोलना चाहती हूँ। जब भी दोस्तों आपके घर में पितृपक्ष या श्राद्ध हो, उस दिन पे जो आप यदि भोजन बनाते हैं, यदि कोई आपके घर अतिथि आ जाए तो उसे प्लीज़ आप भोजन ज़रूर कराइए, क्योंकि वह आपके पितरों के निमित्त भोजन ग्रहण करने आता है। और जब जिस दिन पे आपके यहाँ श्राद्ध हो, आप किसी और के घर जाके भोजन भूल के भी मत ग्रहण करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका पितृपक्ष में क्रिया हुआ श्राद्ध का फल दूसरे इंसान को मिल जाता है। तो इसलिए इन दो बातों का ध्यान रखिए। और यदि आपने व्रत रखा है तो आप अपने लिए थाली ज़रूर परसिए, उस भोजन को सूंघ लीजिए और बाद में वही भोजन आप गाय को करा दीजिए, यदि आप उस दिन पे खाना नहीं खा रहे हैं। तो इस तरह से आप पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो अब फाइनली मैं ख़त्म कर रही हूँ, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, बड़ा सा थम्सअप दे दीजिए। अगली बार जल्दी मिलती हूँ, तब तक के नमस्ते, जय माता रानी।